देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI2CTI क्लासेज और मैं देवेंद्र सर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है रिमर क्या होता है। सबसे पहले आता है रिमर कि रिमर क्या होता है। रिमर यह है हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसके द्वारा हम ड्रिल द्वारा किए हुए होल को शुद्ध साइज में तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि जो हम ड्रिल के द्वारा होल करते हैं किसी जॉब में उसको शुद्ध साइज में तैयार कर, यानी कि उसमें क्या होता है ड्रिल अंदर कई बार रगड़ खा जाता है या बर रह जाती है, तो उसको हटाने के लिए और उसको साफ सुथरा और चिकना और शुद्ध साइज में तैयार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिमर का प्रयोग करते हैं। और रिमर कितने प्रकार का होता है। रिमर दो प्रकार का होता है भाई, हैंड रिमर होता है और मशीन रिमर। हैंड रिमर कौन सा होता है। हैंड रिमर वह रिमर जिसका प्रयोग हम हाथ से करते हैं, यानी कि जो ड्रिल करने के बाद उसके अंदर हम जिसको हमें हाथ से हैंडल फिट करके रिमर में उसको हाथ से घुमाते हैं और उसको शुद्ध साइज में तैयार करते हैं, वो होता है कौन सा, हमारा हैंड रिमर होता है। फिर ये क्या होता है कि हैंड रिमर शक्ल बनावट के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं। पायलट रिमर होता है, पैरेलल जो हमारे फ्लूट्स होता है वो रिमर होता है, हैंड रिमर, ठीक है। इस तरह से कई प्रकार के हैंड रिमर होते हैं, वो हमारे बनावट के अनुसार होते हैं। फिर आता है मशीन रिमर। मशीन रिमर कौन सा होता है। मशीन रिमर होता है जिसका प्रयोग हम मशीन में के साथ करते हैं, यानी कि मशीन में फिट करके उसे, क्योंकि हैंड रिमर से हम क्या करते हैं आसान बिल्कुल धीरे से होता है कोई भी कार्य, ठीक है। और इसमें क्या होता है मशीन में चलता और वो कार्य जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको किसमें, मशीन में फिट करके रिमर को और तब प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मशीन रिमर। फिर उससे आगे आता है कि फ्लूट्स के अनुसार यह कितने प्रकार का होता है। फ्लूट्स बने होते हैं जो रिमर के अनुसार ऊपर, वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है स्ट्रेट फ्लूट्स। स्ट्रेट फ्लूट्स इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये है रिमर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे फ्लूट्स बने हुए होंगे, ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट रिमर। स्ट्रेट फ्लूट्स रिमर है, इसमें बिल्कुल सीधे क्या होते हैं फ्लूट्स बने होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्लूट्स रिमर। नंबर दो पे आता है स्पाइरल फ्लूट्स। स्पाइरल फ्लूट्स वो होते हैं जिसमें किसी विशेष कोण पर फ्लूट्स को बनाया जाए, किसी विशेष कोण पर, जैसे कि ये हमारा स्ट्रेट। अब आता है स्पाइरल। स्पाइरल में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे क्या है, रिमर है, ठीक है, और इसमें जो विशेष कोण पर, जैसे कि ये इस तरह से फ्लूट्स बने हुए हों, ये क्या है किसी विशेष कोण पर, यहाँ पर इसकी धुरी के साथ ये किसके विशेष कोण पर, इसके साथ ये किस पे है, विशेष कोण पर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कोई जो फ्लूट्स किसी विशेष कोण पर बने हुए हों उन्हें क्या कहते हैं, स्पाइरल फ्लूट्स कहते हैं, ठीक है। नंबर तीन पे आता है हेलिक्स, हेलिकल फ्लूट्स। हेलिकल फ्लूट्स कौन से होते हैं, वे फ्लूट्स जो अपनी धुरी पर एंगल में बने हुए होते हैं और यह है 10 mm से बड़े साइज के जो हमारे रिमर होते हैं उन सब में जो है हेलिकल फ्लूट्स होते हैं। जैसा कि ये है हमारा, इसमें आएगा हेलिकल फ्लूट्स, ये क्या है इस तरह से बने हुए होंगे, ये कैसे है हेलिकल फ्लूट्स, जो किसी कोण पर झुके हुए हो, ठीक है। तो हेलिकल फ्लूट्स जो इसके चारों, जो कि हेलिक्स में जैसे हमारी थ्रेड होती है ना, थ्रेड क्या होती है बिल्कुल नजदीक नजदीक होती है, लेकिन वो इसमें क्या होता है हेलिकल फ्लूट्स में ये थोड़े से बड़े साइज के बने हुए होते हैं। ये इसके चारों तरफ से, इसके जो हमारा रिमर होता है उसके चारों तरफ से क्या है हेलिक्स, यानी किसी एंगुलर का एंगल में झुके हुए होते हैं, इन्हें एंगुलर फ्लूट्स भी कहते हैं, यानी कि जो एंगल में झुके हुए हो, ठीक है। उससे आगे आता है, ये था हमारा क्या, रिमर। रिमर जिसका प्रयोग हम होल को शुद्ध साइज में तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं और ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। प्रकार दो होते हैं, हैंड रिमर और मशीन रिमर, और फ्लूट्स के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट, स्पाइरल और हेलिकल फ्लूट्स।
नंबर तीन फिर आगे आता है कि रिमर के साइज, जो ड्रिल साइज निकालते हैं हम रिमर का, वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो जो हमारा अंडर साइज होता है वो होल के, जो हमारा रिमर के लिए होल बनाना होता है हमें, उसके अनुसार अंडर साइज रखा जाता है। तो हमारा जो अंडर साइज कैसे रखा जाता है, जो 5 मिलीमीटर से कम साइज के होल होते हैं उसके लिए, रिमर का साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है उसके लिए जो अंडर साइज होता है वो होता है 100 से 200 माइक्रोन, 100 से 200 माइक्रोन, यानी कि 0.1 से 0.2 मिलीमीटर तक अंडर साइज रखा जाता है, ठीक है। और 5 से 20 मिलीमीटर तक के जो होल होते हैं उनके लिए जो हमारा अंडर साइज होता है वो होता है 0.2 से 0.3 mm, यानी कि 200 से 300 माइक्रोन तक उसका जो है अंडर साइज रखा जाता है। फिर आगे आता है 21 से 50 मिलीमीटर तक, 21 से 50 मिलीमीटर के लिए अंडर साइज 300 माइक्रोन से 500 माइक्रोन, यानी कि 0.3 से 0.5 मिलीमीटर तक अंडर साइज रखा जाता है। फिर उससे आगे आता है 50 से ऊपर, जो 50 mm से ऊपर के सभी रिमर साइज होते हैं उसके लिए 0.5 से 1 मिलीमीटर, यानी कि 500 से 1000 माइक्रोन क्या है अंडर साइज रखा जाता है, ठीक है। ये था हमारा अंडर साइज। फिर आता है ओवर साइज। ओवर साइज क्या होता है? जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है वह अपने साइज से 0.05 मिलीमीटर, यानी कि 50 माइक्रोन बड़ा होल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर साइज बोलते हैं। जैसे कि 10 mm का है कोई भी ड्रिल तो वो कितना करेगा, 10.05 mm उसका होल होगा प्रयोग करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से होता है क्या हमारा ओवर साइज। और ओवर साइज हैंड, जो हैंड ड्रिल होता है या मशीन ड्रिल, उन सब के द्वारा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये इससे आगे आता है कि इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले है कि मान लीजिए आपको 20 मिलीमीटर का रिमर साइज, 20 का होल करना है, ठीक है, 20 का रिमर यूज करना है, ठीक है। उसके लिए आपको ड्रिल साइज निकालना, तो कैसे निकालेंगे, क्या है, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो माइनस 20 का रिमर यूज करना है, उसके लिए अंडर साइज कितना होगा, 5 से 20 मिलीमीटर के लिए अंडर साइज कितना होता है, 0.2 से 0.3 मिलीमीटर। अब आप सोचोगे कि इसमें से लेंगे कौन सा, तो यदि 5 वाली साइड नजदीक पड़ता है तो हम लेंगे अंडर साइज 0.2, और यदि 20 mm के नजदीक पड़ता है तो हम लेंगे कितना, 0.3, यानी कि 10 से ऊपर है, 10 से 11 है, 12 13 14 15, इस तरह से जैसे 20 की तरफ नजदीक जा रहा है तो हम कितना लेंगे, 0.3 लेंगे, और 5 के नजदीक यानी कि 5 6 7 8 9 इस तरह से है तो कौन सा लेंगे हम, 0.2 लेंगे। तो अब इसमें कितने का निकालना, 20, 20 का रिमर यूज करना, तो कितना होगा अंडर साइज 0.3 मिलीमीटर, प्लस ओवर साइज कितना होना चाहिए, 0.05 mm हमारा क्या होता है ओवर साइज। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 0.,  इसको इसमें जोड़ देंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो ड्रिल साइज कितना आएगा, 20 में से इसको घटाएंगे तो 5 और 6 और 9 1 19.65 mm इसके लिए ड्रिल साइज होना चाहिए। जैसे कि ये है 20, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 0 लगा देंगे क्योंकि 2 अक्षर है, तो यहाँ 0.35, तो अब इसको घटा देंगे, इस तरह से घटाया मैंने, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया 6 और 9 और 1, ठीक है, 19.65 मिलीमीटर, यानी कि 20 का यदि आपने शुद्ध साइज में होल तैयार करना है तो उसके लिए 19.65 mm का ड्रिल होल होना चाहिए। तो इस तरह से आपने जो है रिमर के लिए जो है ड्रिल का होल निकालना है, तो इस तरह से आपने निकालना है। तो आज का ये था हमारा टॉपिक कि रिमर क्या होता है और रिमर का साइज कैसे निकालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब